या हाय गाइस वेलकम टू एम पाठशाला एम पाठशाला मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है और ये हमारा नंबर सिस्टम का थर्टीन सेशन है गाइस अपने इस थर्टीन सेशन में हम लो, uh, में लोग लास्ट क्लास में हम लोगों ने थोड़ा प्राइम से को प्राइम फैक्टर्स कोई चीज़ें स्टार्ट की थी उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे ठीक है तो uh, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ ये जितने भी सेशनस हैं ये इन सभी एग्जाम्स के एक्सपीरियंस के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं अगर आप लोग किसी भी मैनेजमेंट एंट्रेंस एग्जाम को टारगेट कर रहे हो कैट जेट आई स्नैप एंडमेट सीमेट महाराज सी टी आईपी मेट और क्लैट कैंपस प्लेसमेंट एग्जाम और एप्टीट्यूड एग्जाम इन सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल एम बी ए पार्ट ज्वाइन नहीं कराया तो आप टेलीग्राम पर सर्च करके या इस वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में आपको पिन मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना क्योंकि यही वो चीजें जहां से हमें बूस्ट मिलता है कुछ नया करने का ठीक है और इस वीडियो के लिंक को मैक्सिम के साथ शेयर कर देना बच्चे ठीक है तो आगे बढ़ते हैं बच्चों ठीक है बच्चो, हम लोग फैक्टर्स कंटिन्यू कर रहे हैं ठीक है फैक्टर्स एक बहुत ही बड़ी यूनिट है अगर मैं आप लोगों को बताऊं ना बहुत ही अच्छा चैप्टर है नंबर सिस्टम के अंदर जहां से क्वेश्चंस आने के चांसेस रहते हैं बहुत ज्यादा रहते हैं ठीक है थीके? तो लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को कुछ पढ़ाया था उसी से आगे मैं कंटिन्यू करूंगा एक क्वेश्चन पहले मैं आपको दूंगा आप लोग उस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे या दिस इज द क्वेश्चन

तो फोर इज टू का पावर टू फाइव का पावर वन टू टू दावर थ्री टू दावर टू 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 द पावर वन फाइव टू पावर वन तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा तो ये हमारे फैक्टराइजेशन है फोर एट्टी की ये मेरा तरीका है आई डोंट वॉन्ट कि आप लोग ऐसे करो यार इसको मैं ये नहीं चाहता ट्री बना के आप लोग करे जा रहे हो करे जा रहे हो तो ये मेरा तरीका और आपको ऐसे इसी का मतलब इसी हैबिट रखनी है ना इसी की रखनी है टाइम सेविंग है बहुत ज्यादा ठीक है एग्जाम में हमारा टाइम बचता है आगे मैं आप लोगों को क्या बता रहा हूं प्राइम फैक्टर्स यही मेरे प्राइम फैक्टर्स होते हैं बच्चे तो टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स कितने आ रहे हैं फोर के टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 480 कितना आ, आ रहे हैं थ्री आ रहे हैं इस फॉर्मूले में एन क्या होता था टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स हमसे पूछा गया जा रहा है बच्चे हमसे पूछा गया जा रहा है टोटल फाइंड द नंबर ऑफ बेस ऑफ राइटिंग 480 एट्टी एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू को प्राइम्स फोर को एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू को प्राइम्स लिखना है इसका फॉर्मूला है टू का पावर एन माइनस वन एन इज द नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स तो 480 के प्राइम फैक्टर्स कितना है थ्री आए तो माय आंसर बिकम्स कितना टू का पावर थ्री माइनस वन विच इज टू एंड टू का पावर टू कितना होता है फोर होता है और यही मेरा आंसर सो देर आर फोर वेज देर आर फोर वेज ऑफ राइटिंग फोर एट्टी एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू को प्राइम वो फोर वे कौन से उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता मैंने लास्ट क्लास में तो आप लोगों को प्रूफ करके भी दिखाया था कि देख यार दीज आर द वेज बट क्वेश्चन का पार्ट ही नहीं है तब पढ़ना जरूरी है, कि कोई कैसे आई है पता होना चाहिए बट एग्जाम में हमें टिक और आगे बढ़ना है ठीक है प्रूफ करने मत बैठ जाना एग्जाम में, में मेरा सिंपल सा बात यह है कहने का ठीक है बच्चे जो हमारा अगला टॉपिक है ना बहुत ही प्यारा टॉपिक है आपको इंफॉर्मेशन पता लगी गई कि यार ऐसे दो नंबर जिनका एक्सेप्ट क्या होता है

ऐसे कितने हैं जो 100 के साथ को प्राइम हो आप बोलोगे सर मतलब ऐसे कैसे कैलकुलेट करें कि कितने नंबर्स ऐसे हैं जो 100 के साथ को प्राइम है तो बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा काउंट करना इसको एक छोटे नंबर पे समझते हैं जैसे मैंने नंबर लिया सेवन जैसे मैंने नंबर लिया सेवन मुझे ये बताओ सेवन से छोटे ऐसे कितने नंबर हैं जो सेवन के साथ को प्राइम है 7 से छोटे ठीक है नंबर लेस देन टू सेवन विच आर को टू सेवन नंबर लेस छोटे ऐसे कितने नंबर हैं जो सेवन के साथ लेंगे क्योंकि सेवन से छोटे नंबर लेने अपने को सो so ये सारे के सारे नंबर सेवन से छोटे हैं देखना सेवन के साथ कौन कौन को प्राइम है क्या वन सेवन को प्राइम बनता है क्या बनता है क्या टू सेवन टू कॉमस को प्राइम है बनता है क्या थ्री e? क्या सेवन को प्राइम है यार। 5, 7 e? अरे बिल्कुल से छोटे ऐसे छह नंबर है जो सेवन के साथ को प्राइम है सारे के सारे नंबर को प्राइम है यार ठीक है ऐसे अगर हमने बड़ा नंबर लिया जैसे मैंने अगला नंबर लिया पर फिफ्टीन मैंने कहा यार फिफ्टीन से छोटे 15 से छोटे ऐसे कौन से नंबर हैं जो 15 के साथ को प्राइम नंबर लेस देन टू 15 विच आर को प्राइम टू 15 15 से छोटे और 15 के साथ को प्राइम ऐसे कौन कौन से नंबर हैं तो आप लोगों ने देखा कि सर हमने जब यहां पर चेक किया जैसे 15 से वन कोमा फिफ्टीन को प्राइम है टू कोमा फिफ्टीन को प्राइम है बट जैसे ही मैं थ्री कोमा लिखने लग रहा था ना थ्री कोमा फिफ्टीन नहीं है एंड द रीजन बिहाइंड इट इन दोनों में थ्री क्या है कॉमन है कॉमन फैक्टर क्या है थ्री है अगला नंबर लिखा मैंने फोर कोमा फिफ्टीन दोनों को प्राइम है फाइव को प्राइम नहीं है दोनों में फाइव कॉमन है अगेन सिक्स नहीं है दोनों में थ्री कॉमन है सिक्स में भी और फिफ्टीन में भी बट सेवन कोमा फिफ्टीन को प्राइम है एट कोमा फिफ्टीन को प्राइम है अगेन नाइन फिफ्टीन इज नॉट अ को प्राइम एंड द रीजन बिहाइंड इट क्योंकि दोनों में थ्री कॉमन है अगेन 10 कॉमा फिफ्टीन इज नॉट अ को प्राइम दोनों में फाइव कॉमन है बट 11 कॉमा फिफ्टीन को प्राइम है 12 कॉमा फिफ्टीन को प्राइम नहीं है 12 कॉमा फिफ्टीन को प्राइम नहीं है 13 कॉमा फिफ्टीन को प्राइम है दोनों के दोनों नंबर एंड 14 कॉमा फिफ्टीन भी क्या है को प्राइम है सो so, कितने नंबर आ रहे हैं बच्चे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट देर आर एट नंबर देर आर एट नंबर विच आर लेस देन टू फिफ्टीन एंड को प्राइम टू फिफ्टीन हमारे पास आठ नंबर ऐसे हैं हमारे पास आठ नंबर ऐसे हैं जो फिफ्टीन से छोटे हैं और फिफ्टीन के साथ को प्राइम है वो नंबर कौन कौन से ऐसे वन टू फोर सेवन एट इलेवन थर्टीन फोर्टीन दीज आर सेवन नंबर्स दीज आर सेवन नंबर्स 15, 15 छोटे हैं और 15 के साथ होप आप लोगों को ये बात समझ में आ रही होगी बताना चाह रहा हूँ। एक्चुअल में इसको निकालने का तरीका क्या होगा इसको निकालने का तरीका क्या होगा हमारे पास हम कैसे निकालेंगे यार आज तो हमारे पास फिफ्टीन नंबर था कल को फिफ्टीन आ गया कल को थ्री नंबर आ गया कल को किसने बोल दिया कि यार उदित एक नंबर है हमारे पास तो डायरेक्टली तो हम निकाल ही नहीं पाएंगे आप, आप एक चीज फोकस करो ये सारे नंबर देखो जो फिफ्टीन के साथ को प्राइम नहीं थे और फिफ्टीन से छोटे थे उन नंबर्स पर फोकस करो जो 15 से छोटे थे बट को प्राइम नहीं थे ठीक है जैसे थ्री थ्री कोमा फिफ्टीन कोमा नहीं था सिक्स नहीं था नाइन प्राइम नहीं, नहीं, नहीं था ये तो नहीं थे इनमें से कोई भी नहीं था रीजन पता क्या है रीजन पता क्या है इनमें थ्री और फाइव की पावर है किसी ना किसी तरह है? इसको हम लोग थ्री इंटू वन बोल सकते हैं इसको हम लोग फाइव इंटू वन बोल सकते हैं इसको तो इन सब छिपी हुई है कहीं ना कहीं पे देखो थ्री फाइव है यहाँ पर थ्री है यहाँ पर थ्री है यहाँ पर फाइव है यहाँ पर थ्री है इनमें किसी ना किसी तरह से थ्री या फाइव है थ्री और फाइव ही को क्यों चूज करा क्योंकि थ्री और फाइव इसके फैक्टर्स होते हैं बच्चे मतलब मैं फिफ्टीन को थ्री इंटू फाइव बोलूंगा ये इसका प्राइम है थ्री टू द पावर वन फाइव टू द पावर वन ठीक है अगर कोई भी नंबर ऐसा है हमारे पास जिसमें थ्री की पावर है या फाइव की पावर है वो नंबर फिफ्टीन के साथ कैसे को प्राइम हो सकता है कभी भी नहीं होगा आप इन नंबर्स में देखो क्या आपको इनमें थ्री और फाइव का पावर दिखाई देता है क्या कभी नहीं दिखाई देगा इन नंबर्स में थ्री का पावर और फाइव का पावर है ही नहीं तभी तो ये नंबर फिफ्टीन के साथ को प्राइम हो रहे हैं तभी तो इनमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तभी तो इनका एच वन आ रहा है फिफ्टीन के साथ वन कोमा फिफ्टीन कुछ भी कॉमन नहीं था दोनों में एच सी एफ वन टू कोमा फिफ्टीन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं था एच सी एफ वन फोर कोमा फिफ्टीन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं था एच सी एफ वन सेवन कोमा फिफ्टी दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं था एच सी एफ वन ऐसी यहां पर एच सी एफ बनाया एच सफ बनाया क्योंकि वन टू फोर सेवन एट इलेवन थर्टीन फोर्टीन ये वो नंबर्स हैं जिनमें थ्री और फाइव का को कोई भी पावर नहीं है ठीक है तो मुझे एक्चुअल में करना क्या होता है मुझे फिफ्टीन से छोटे वो सारे नंबर निकाल देना है बाहर जिनमें थ्री और फाइव का पावर है वो सारे बाहर निकाल दोगे तो बचे हुए नंबर मेरे पास क्या आएंगे वो बचेंगे जो मेरे 15 के साथ को प्राइम है ठीक है तो यार इसको तरीका क्या है करने का इसका तरीका है क्या करने का तो आप सबसे पहले हेडिंग लगा लेना बच्चे अब तक हम इस पर डिस्कशन कर रहे थे नंबर ऑफ को प्राइम टू एन डेट आर लेस देन एन एन कोई भी एक नंबर है जैसे हम लोगों ने भी फिफ्टीन परिसर्च करा

नंबर ऑफ को प्राइम्स टू फिफ्टीन को प्राइम्स टू फिफ्टीन डेट आर डेट आर लेस देन फिफ्टीन नंबर ऑफ को प्राइम्स टू फिफ्टीन डेट आर लेस देन फिफ्टीन बात समझ में आ रही है नंबर ऑफ को प्राइम्स टू फिफ्टीन डेट आर लेस देन फिफ्टीन तो इसको सिंपल सा तरीका क्या है करने का सबसे पहले आप फिफ्टीन की प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो थ्री इंटू फाइव यही होती है इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन तो मुझे एक्चुअल में करना क्या है मुझे करना क्या है फिफ्टीन से छोटे वो सभी नंबर्स को हटा दो जो थ्री और फाइव के मल्टीपल हैं कुछ नहीं करना फिफ्टीन से छोटे उन सभी नंबर्स को हटा दो जो थ्री और फाइव के मल्टीपल हैं जैसे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन टर्टीन फोर्टीन ये नंबर है आई थिंक बोर्ड पे विजिबल होगा आर द इनमें से मुझे वो सारे नंबर हटा देने हैं जो थ्री और फाइव के मल्टीपल्स हटा दो उनको जैसे आप लोगों ने सबसे पहले हटाया थ्री को थ्री का मल्टीपल है फिर ये हटा दो सिक्स थ्री का मल्टीपल है फिर नाइन हटा दो थ्री का मल्टीपल है फिर ट्वेल्व हटा दो थ्री का मल्टीपल है।, है ये सारे के सारे थ्री के मल्टीपल्स थे फाइव भी हटा दो फाइव का मल्टीपल है टेन भी हटा दो फाइव का मल्टीपल तो टोटल देर आर फोर्टी टोटल फोर्टीन नंबर थे 14 में से थ्री के मल्टीपल्स कितने थे फोर ये गए और फाइव के मल्टीपल्स कितने थे वन एंड फाइव एंड टेन यही थे ना ये बात आपको समझ में आ रही है तो अगर फोर्टीन में से हमारे छ नंबर चले गए अगर फोर्टीन में से हमारे छह नंबर चले गए ये वो छह नंबर हैं जो फाइव या थ्री के मल्टीपल्स हैं जो फाइव या थ्री के मल्टीपल्स हैं तो अगर फोर्टीन में सिक्स चले गए तो कितने नंबर बचे एट जो बचे हुए नंबर है ना जो हमारे रिमेनिंग नंबर है यही तो वो नंबर है जो फिफ्टीन के साथ को प्राइम है आप लोग चेक कर लो यही तो वो नंबर है जो फिफ्टीन के साथ को प्राइम है और फिफ्टीन से छोटे नंबर है आप चेक कर लो वन टू फोर सेवन एट इलेवन थर्टीन फोर्टीन मैं आपको पिछले रिसर्च दिखा देता हूं अपनी ये देख लो यहां पर वन टू फोर सेवन एट इलेवन थर्टीन फोर्टीन दीज आर द जो 15 के साथ को है है बट यार ये बड़ा टिपिकल टिपिकल होता चला जा रहा है. टिपिकल कैसे मैं ऐसे कैसे निकाल पाऊंगा ऐसे तो यार बड़ा नंबर आएगा तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी इसके लिए कोई तो तरीका होगा ठीक है जब हमने बात तरीकों की करी तो हमें एक चीज समझ में आने लगी यार एक्चुअल में हम लोग पता कर क्या रहे हैं हमें सबसे पहले क्या करना है फैक्टर का कोई भी क्वेश्चन आए उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है ठीक है जैसे यहां पर नंबर था 15 तो मैंने 15 की प्राइम फैक्टराइजेशन करी 3 into 5 कर दी चलो जी बड़ी अच्छी बात है अब मेरा काम क्या है इसमें से मैं आपको बता देता हूं मेरा काम क्या है मेरा काम क्या है इसमें से मैं यहां पर क्या करूंगा देखो जरा अगर मैं आप लोगों को बताऊं 1 से लेके 15 तक 1 से लेके 15 तक अगर मैं देखूं तो मेरे कितने नंबर्स ऐसे हैं जो थ्री के मल्टीपल होंगे मेरे कितने नंबर्स ऐसे हैं जो थ्री के मल्टीपल होंगे थ्री के मल्टीपल्स तो उसको करने का तरीका क्या है अगर मैं आपको बताऊं तो हर तीन में से एक नंबर अगर थोड़ा सा लॉजिक लगाओ हर तीन में से एक नंबर हर तीन में से एक नंबर थ्री का मल्टीपल होता है आप बोलोगे सर कैसे अरे बड़ा इजी है ना यार देखो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन टर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन बड़ा प्यारा कॉन्सेप्ट है किताबों में कोई इसको ऑयलर्स थ्योरम बोलता है कोई कुछ बोलता है कोई कुछ बोलता है बट मेरा पॉइंट यह है आप कॉन्सेप्ट को समझो मैं क्या कह रहा हूं देखो यार तीन तीन के पेयर बना लो बना लिए तीन तीन के पेयर यस हमने तीन तीन के पेयर बना लिए अब मुझे पता है जो मैंने तीन तीन के पेयर्स बनाए इनमें से एक नंबर ऐसा है जो थ्री का मल्टीपल है इनमें एक नंबर ऐसा जो थ्री का मल्टीपल है इनमें एक नंबर ऐसा जो थ्री का मल्टीपल है इनमें एक ऐसा नंबर जो थ्री का मल्टीपल है इनमें एक ऐसा नंबर है जो थ्री का मल्टीपल है है ना तो यानी कि हर तीन में एक नंबर थ्री का मल्टीपल होता है हर तीन नंबर में से अगर वो कंजीक्यूटिवली नंबर लिखे हुए हैं आपने सारे के सारे नेचुरल नंबर वन से लेके फिफ्टीन तक लिख दिया मैंने तो मैंने यहां पर एक चीज नोटिस करी हर तीन में से एक नंबर थ्री का मल्टीपल है हर तीन में से एक नंबर थ्री का मल्टीपल है अगर मैं आपसे बोलता हूं कि यार बताओ फ्रॉम टू फिफ्टीन हाउ मेनी नंबर थ्री के मल्टीपल बताने तो हर तीन में से एक नंबर थ्री का मल्टीपल होता है एक से लेके पंद्रह तक पंद्रह नंबर होंगे सर तो हमने देखा देयर आर फाइव नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ थ्री फ्रॉम टू फिफ्टीन हर तीन में से एक नंबर ऐसा होगा जो हमारा किसका मल्टीपल होगा थ्री का मल्टीपल होगा तो ये बात समझ में आ रही है हर तीन में से एक नंबर ऐसा है जो थ्री का मल्टीपल है हर तीन में से नंबर नंबर से का है। ऐसे कितने फ्रॉम फ्रॉम टू टू आर आर यार हर तीन में में से से हर तीन में से दो नंबर ऐसे थे जो थ्री का मल्टीपल नहीं थे मुझे बताने शुरू के पंद्रह नंबर नंबर में ऐसे कितने नंबर हैं जो हमारे पास फिफ्टीन का शुरू के पंद्रह नंबर में ऐसे कितने नंबर हैं जो हमारे थ्री के मल्टीपल नहीं है हम लोग रिसर्च कर रहे हैं वन से लेके तो तो जो थ्री का मल्टीपल नहीं है तो फिफ्टीन में से हर तीन में से दो नंबर ऐसे हैं जो थ्री का मल्टीपल नहीं है इसको देखा तो कितना आया टेन सो so यहां पर टेन नंबर ऐसे हैं जो हमारे पास का नहीं है तो आई थिंक ये कैसे कैलकुलेट कर रहा हूं समझ में आ रहा होगा कल को इन फ्यूचर लिखोगे तो हर तीन में से एक नंबर थ्री का मल्टीपल होता है तो हर तीन में से एक नंबर थ्री का मल्टीपल है टोटल नंबर 150 है तो 150 फिफ्टी इंटू वन बाई थ्री कितना आ जाएगा हमारे पास फिफ्टी आ जाएगा सो देर आर फिफ्टी नंबर फ्रॉम टू आर आर मल्टीपल ऑफ आई होप यह बात सबको समझ में आ रही होगी कोई प्रॉब्लम नहीं है बट मैं आपको बताऊं अगर ये बात तो हमें उन पर रिसर्च करनी है जो थ्री और फाइव के मल्टीपल्स नहीं है यह थ्री और फाइव का सपना कहां से आया जब हम लोगों ने इसका प्राइम फैक्ट्राइजेशन किया ठीक है तो यार मैंने सबसे पहले क्या किया अब देखो अगर मैं यहां से अगर मैं यहां से वो सारे नंबर हटा देता हूं जो थ्री के मल्टीपल थे मैंने क्या किया वो सारे नंबर हटा दिए जो थ्री के मल्टीपल्स थे वो सारे हटा दिए फ्रॉम वन टू फिफ्टीन देर आर इनमें से ऐसे कितने हैं, जो मेरे पास थ्री के मल्टीपल्स हैं तो देर आर फाइव नंबर ठीक है तो मैंने वो सारे नंबर हटा दिए उसके अलावा जो मेरे पास बचे वो कौन कौन से नंबर हैं वन टू फोर फाइव सेवन एट टेन इलेवन थर्टीन फोर्टीन मेरे पास ये दस नंबर बचे इन दस नंबर में ये देखो पांच एरे और पांच एरे इन दस नंबर में ऐसे कौन से नंबर हैं जो फाइव के मल्टीपल तो पहले ये कॉन्जिक्यूटिव थे उन कॉन्जिक्यूटिव में सारे थ्री के मल्टीपल उड़ा दिए हम लोगों ने सारे थ्री के मल्टीपल हमने बाहर निकाल दिए जो नंबर थ्री के मल्टीपल थे उसके बाद जो रिमेनिंग नंबर है वो ये है इन नंबर्स में ऐसे कौन से नंबर है जो फाइव का मल्टीपल है आप चेक करना ये पहले कॉन्जिक्यूटिव थे अब भी ये कॉन्जीक्यूटिव है बट इसमें से के हटा दिए तो ये इनमें हर में, हर में में एक नंबर ऐसा होगा जो का मल्टीपल होगा हर में एक नंबर ऐसा होगा जो फाइव का मल्टीपल होगा यानी कि इसमें से वन फिफ्थ नंबर ऐसे कितना आता है टेन कांबर्स विच आर मल्टीपल्स ऑफ फाइव

15 के फैक्टर्स क्या होते हैं अब देखो इसको डायरेक्टली कैसे करना था तो 15. 15 नंबर में थ्री के मल्टीपल्स कितने होते हैं थ्री के मल्टीपल्स होते हैं हर तीन में से एक नंबर थ्री का मल्टीपल होता है तो वो तो मुझे चाहिए ही नहीं वो नहीं मुझे चाहिए जो थ्री के मल्टीपल्स होते हैं मुझे क्या चाहिए जो थ्री के मल्टीपल नहीं है हर तीन में से दो नंबर ऐसे होते हैं जो थ्री के मल्टीपल नहीं होते हैं यानी कि मुझे इसका क्या निकालना है टू थर्ड निकालना है हर तीन में से फ्रॉम एवरी थ्री नंबर बट द कंडीशन इज वो कॉन्जिक लिखे हूं कॉन्जिक तो लिखे ना बन से लेकर फिफ्टीन तक रिसर्च करनी है सो so, हर तीन में से एक नंबर ऐसा होता है जो थ्री का मल्टीपल होता है और दो नंबर ऐसे होते हैं जो थ्री के मल्टीपल नहीं होते तो टोटल तो फिफ्टीन नंबर थे

चार नंबर होंगे तो इसका फोर फिफ्थ निकाल लो आप आप जब टेन का फोर फिफ्थ निकालोगे बच्चे सो आर 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 लेस देन टू टू एंड आठ नंबर हमारे पास ऐसे हैं जो फिफ्टीन से छोटे हैं और फिफ्टीन के साथ क्या है को प्राइम है ये है इसको निकालने का तरीका ये है इसको निकालने का तरीका बच्चे दिस इज द अप्रोच कुछ नहीं करना कुछ नहीं करना मैं आपको बता देता हूं एक एक चीज फ्रॉम वन टू फिफ्टीन तक हम लोग रिसर्च कर रहे थे तो फ्रॉम वन टू फिफ्टीन देर आर फिफ्टीन नंबर पंद्रह नंबर है मेरे पास हर तीन में एक नंबर थ्री का मल्टीपल होता है तो हर तीन में दो नंबर ऐसे होंगे जो थ्री के मल्टीपल नहीं होंगे मुझे थ्री के मल्टीपल्स नहीं चाहिए थ्री के मल्टीपल्स क्या दिक्कत दे रहे हैं मुझे वो फिफ्टीन के साथ को प्राइम होते प्राइम नहीं होते थ्री के मल्टीपल्स क्या होते हैं फिफ्टीन के साथ को प्राइम नहीं इन दोनों में थ्री कॉमन आए इन दोनों में थ्री कॉमन है इन दोनों में थ्री एच सी एफ आएगा इन दोनों का थ्री एच सी एफ आएगा उन दोनों का आएगा ठीक है 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 बात समझ में में आ रही तो हर तीन में एक नंबर ऐसा है जो का मल्टीपल होता है तो मुझे चाहिए ही नहीं वो तो मुझे बाकी के टू नंबर चाहिए तो फिफ्टीन का टू थर्ड निकाल लिया जो कि कितना है? टेन आया चलो अब मेरे पास जो बाकी नंबर आए वो ये थे ये मेरे बाकी बचे हुए नंबर है इनमें मैंने देखा हर पांच में से एक नंबर फाइव का मल्टीपल है तो one by, one fifth number मेरे फाइव के मल्टीपल है तो रिमेनिंग नंबर्स क्या होंगे four fifth, इसका मल्टीपल ऑफ फाइव तो ये तो टेन आया था ten का four fifth निकाला तो एट आया फ्रॉम वन टू फिफ्टीन देर आर एट नंबर्स विच आर को प्राइम टू फिफ्टीन ठीक है so 15, 15, जैसे मैं आप लोगों से बोलता हूं फाइंड द टोटल नंबर्स find the total numbers total numbers which are which are less than which are less than 30 and co prime to 30 which are less than 30 and co prime to 30 find the total numbers which are find the total number इसका आंसर आप लोग कैसे निकालोगे वीडियो पोस्ट करो और खुद से सोल्व करने की कोशिश करो फाइंड नंबर विच आर लेस देन थर्टी एंड को प्राइम टू थर्टी थर्टी एंड को प्राइम टू थर्टी इसको कैसे सोल्व करोगे फाइंड द टोटल नंबर विच आर लेस देन थर्टी एंड को प्राइम टू थर्टी ठीक है चलिए सिंपल सी बात फ्रॉम वन टू थर्टी फ्रॉम वन टू थर्टी देर आर थर्टी नंबर

आप देख भी लो वन एंड टू में टू इज मल्टीपल ऑफ टू थ्री एंड फोर से एक number 2 का multiple होता है, तो so बाकी एक नहीं होता होगा तो so दो में से एक नंबर टू का मल्टीपल नहीं होता तो so टोटल से मेरे जो आधे नंबर होंगे वो टू के मल्टीपल्स नहीं होंगे ठीक है अब मेरे पास जो नंबर आए मेरे पास कौन कौन से नंबर आ गए जरा देखो तो आप लोग जैसे वन आया थ्री आया फाइव आया सेवन आया नाइन आया इलेवन आया क्योंकि 2 के मल्टीपल्स हम लोगों ने निकाल दिए थर्टीन आया फिफ्टीन आया सेवन आया ट्वेंटी थ्री आया ट्वेंटी फाइव आया ट्वेंटी सेवन आया ट्वेंटी नाइन आया, आया, आया अगर मैं इन नंबर में देखता हूं तो हर एक तीन नंबर में हर तीन नंबर में थ्री का मल्टीपल है हर एक तीन नंबर में थ्री का मल्टीपल है अब चेक तो कर लो आप चेक तो कर लो यानी कि हर तीन में से एक नंबर थ्री का मल्टीपल है तो बाकी के दो नंबर थ्री का मल्टीपल नहीं होंगे तो यानी कि जो मेरे पास नंबर आ गए इनमें से से नंबर 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 मेरे के नहीं है। तो numbers, के नहीं नहीं तो तो वो कौन से आ जैसे अब हर में से एक नंबर ऐसा है जो फाइव का मल्टीपल है हर पांच में से एक नंबर ऐसा है जो फाइव का मल्टीपल है तो मुझे फाइव के मल्टीपल्स नहीं चाहिए तो हाउ मेनी मेनी हाउ आर आर देयर नॉट मल्टीपल ऑफ नंबर हर पांच में से चार नंबर ऐसे हैं जो फाइव के मल्टीपल नहीं है तो ये जो मेरे पास आया था अब इसका फोर फिफ्थ निकाल लो इसका फोर फिफ्थ निकाल लो इसको सॉल्व कर लो आप ठीक है कितना आता है फाइव इंटू थ्री फिफ्टीन इंटू टू थर्टी सो फोर इंटू टू कितना होता है एट हमारे पास आठ ऐसे हैं जो थर्टी से छोटे हैं वो के साथ को हमारे पास आठ नंबर ऐसे हैं जो 30 से हैं जो से छोटे के साथ क्या है को प्राइम है अगर मैं आपको उन नंबर्स के बारे में बताना चाहूँ तो बता भी सकता हूं निकाल के जैसे एक तो वन ही है टू नहीं होगा थ्री नहीं होगा फोर नहीं होगा फाइव नहीं होगा सिक्स भी नहीं होगा सेवन होगा एट भी नहीं होगा नाइन भी नहीं होगा टेन भी नहीं होगा इलेवन होगा ट्वेल्व भी नहीं होगा थर्टीन होगा फोर्टीन भी नहीं होगा फिफ्टीन भी नहीं होगा सेवनटीन होगा नाइनटीन होगा ट्वेंटी थ्री होगा ठीक है सो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन और एक नंबर होगा हमारा ट्वेंटी नाइन ट्वेंटी थ्री भी नहीं होगा ट्वेंटी भी नहीं होगा ठीक है ट्वेंटी नाइन सो दीज आर एट नंबर विच आर को प्राइम विथ यानी कि वन कॉमा थर्टी है

ठीक है कोई भी नंबर दे दो आपको आपको कोई भी नंबर दे दो आप आराम से निकाल लोगे मतलब कोई भी नंबर दे दो ठीक है तो बाकी प्रैक्टिस करेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में